हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीतल और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो। हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति का बढ़ना बहुत ही जरूरी है। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। हमारे रोज के खाने की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले हम बात करेंगे साइट्रस फ्रूट्स की। साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और विटामिन सी हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC को बढ़ाती है, जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से बचाती है और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अब साइट्रस फ्रूट्स कौन से हैं? तो नींबू, संतरे या कोई भी खट्टे फल जो कि साइट्रस फ्रूट्स है, तो उनका हमें रोज सेवन करना ही चाहिए। दूसरा हम देखते हैं टर्मरिक यानी के हल्दी। हल्दी का हम रोज के खाने में इस्तेमाल करते ही है। आयुर्वेद में इसे बहुत महत्व दिया गया है। ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। इसमें करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिससे ये हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को सुधारता है। अगला हम देखेंगे ब्रोकोली। ये एक हरे रंग की फ्लावर है जो हमारे यहाँ आसानी से मिलती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है। इसके साथ में ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम भी होता है। ये हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। ये हमारी पाचन यंत्रणा को सुधारता है और साथ में ही वेट लॉस करने में भी ये मदद करता है। अगला हम देखेंगे गार्लिक यानी के लहसुन। इसका इस्तेमाल भी खाने में लगभग सभी लोग करते हैं। लहसुन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि एलिसिन नाम का एक घटक होता है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अगला है जिंजर यानी कि अदरक। ये भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी थकावट को दूर करता है, साथ में हमारे गले की खराश को मिटाता है और साथ में ही ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जब भी हम चाय का काढ़ा बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है। अगला और सबसे खास और महत्वपूर्ण हम देखेंगे स्पिनिच यानी कि पालक। पालक ये आसानी से मिलने वाली और सबसे सस्ती सब्जी है। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन। इसके साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। हमें इसे कम से कम पकाना चाहिए ताकि ये विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके रख सके। अगला हम देखेंगे सनफ्लावर सीड्स। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और विटामिन ई। हमारी इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग अच्छे से होने के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम की सेल्स का डैमेज रोकने के लिए विटामिन ई बहुत मददगार साबित होता है। सनफ्लावर सीड्स में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अब इन सीड्स का खाने में इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगला हम देखेंगे आलमंड यानी के बादाम। बादाम ये भी एक विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है। इसमें विटामिन ई के साथ मैग्नीशियम और फाइबर होता है। बादाम हमारे फैट्स को कम करने में मदद करता है, तो रोज ये एक बादाम तो खाना ही चाहिए दोस्तों। अगला हम देखेंगे पपया यानी के पपीता। पपीता विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। इसमें पपीन नाम का एक घटक होता है जो हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है। अगला है रेड बेल पेपर। जो लोग फ्रूट्स में रहने वाली शुगर से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। रेड बेल पेपर का मतलब है लाल कलर की शिमला मिर्च। ये विटामिन सी का कमाल का सोर्स है। साइट्रस फ्रूट्स की तुलना में इसमें अधिक विटामिन सी होता है और बीटा कैरोटीन भी होता है,
इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, साथ में हमारी स्किन हेल्दी रहती है। ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। लेकिन हमें इसे पकाते वक्त ध्यान देना चाहिए कि हम इसे कम से कम पकाएं, ताकि इसमें इसमें होने वाले न्यूट्रिएंट्स को हम प्रिजर्व करके रख सके। इसे हम हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। अब अगला हम देखेंगे ग्रीन टी। ब्लैक टी की तुलना में ग्रीन टी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में अच्छी साबित हुई है, क्योंकि इसमें EGCG नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ग्रीन टी में एमिनो एसिड होता है जो हमारे टी सेल्स के जर्म फाइटिंग कंपाउंड को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है कीवी। कीवी ये भी एक विटामिन सी का सोर्स है। इसमें पोटेशियम, फोलेट जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर कीवी आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होता है तो आप संतरे भी खा सकते हैं। अब खाने के साथ ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें करना भी बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमें रेगुलर हर रोज एक्सरसाइज करनी होगी। कम से कम चलना या हम सूर्य नमस्कार तो कर ही सकते हैं। दूसरा है कि हमें अल्कोहल या शराब को अवॉइड कीजिए, या फिर उसका कम से कम सेवन कीजिए। स्मोकिंग अवॉइड कीजिए। उसके साथ में ही रोज 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब कुछ लोग बहुत तनाव में काम करते हैं, या फिर कोई हमारे आसपास की कंडीशन ऐसी होती है जो बहुत ही तनावपूर्ण होती है, तो हमें इस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट ध्यान लगा सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें करने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे जरूरी, स्वच्छ रहिए, हमारे हाथों को सही तरीके से धोइए, खुले में शौच मत करिए। और इसके साथ में ये मैं वीडियो खत्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आप और किस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो बना सकूँ। साथ में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।